करनाल के रामनगर थाना में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला पिछले 3 या 4 साल से रविंदर नाम के एक व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही थी। यह जानकारी रामनगर थाना के इंचार्ज द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। उन्होंने बताया कि रामनगर थाना में एक शिकायत आई थी कि एक औरत जो पिछले 3 या 4 साल से उसके साथ नाजायज संबंध बनाने के उपरांत उसको ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला ने पहले उनको प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाद में उसको ब्लैकमेल करते हुए कभी 10,000 तो कभी 20,000 रुपए लेकर और ज्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी। महिला 4 से 5 लाख रुपए लेकर भी ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की ठान ली। परंतु पुलिस द्वारा शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए रामनगर में मद्रासी डोसा के समीप महिला को 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रामनगर थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपराधी मानसिकता की महिला द्वारा ब्लैकमेलिंग करने के मामले में सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि ऐसे मामले में डरे नहीं, बल्कि पुलिस को इसकी शिकायत दे। महिला को पुलिस द्वारा अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक एक जी, क्या मामला है? ये मामला है, कल हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी, रविंदर नाम का व्यक्ति आया था, ऊपर में रख गया था। उसने कंप्लेंट दी कि उसके साथ लड़की है, एक और है पूजा, उसने आपकी षड्यंत्र के तहत मेरे को 4-5 साल पहले प्रेम जाल में फंसा दिया और प्रेम जाल में फंसा के और शारीरिक संबंध बनाए, और उसके बाद वो लगातार उसको ब्लैकमेल कर रही है। कभी 10,000 ले लिए, कभी 20 ले लिए, कभी कुछ ले लिया, करीब 3-4 लाख रुपए ले लिए और देता रहा। अब उसकी मांग अब 7 लाख रुपए होगी, तो अब वो डर गया, मैं कहाँ से लूँ। वो कह रहा है या तो मैं मरूँगा या पैसे दे। तो हमारे पास आया, उसको संतावना दी उसका और उससे कंप्लेंट दी, और उसने ये कहा भी आज उसने मेरे को मद्रासी डोसा के पास बुलाया है और 50,000 रुपए के लिए राजी किया है। तो फिर हमने FIR दर्ज करी और रेडिंग पार्टी तैयार करके महिला पुलिस और मौके से लेडीज़ को गिरफ्तार किया और 50,000 रुपए उससे बरामद। कहाँ का मामला है ये? प्रेम नगर 15 डोसा की दुकान है, वहाँ का मामला है। तो पहले भी कोई मामला है सर ये महिला के खिलाफ? नहीं, पहले तो नहीं, अभी तक आया हमारे पास ऐसा मामला। तो ब्लैकमेल कर रही थी सर ये? ब्लैकमेल कर रही थी। कितने लोग इसके साथ और शामिल हो सकते हैं? अभी तफ्तीश जारी है, उन्होंने शक जाहिर किया है मुदई ने भी, 1-2 और हो सकते हैं। तो महिला को गिरफ्तार कर लिया है? महिला को गिरफ्तार। 50,000 रुपए लेते हुए? 50,000 रुपए। तो लोगों से भी क्या अपील करेंगे? इस तरह के मामले काफी आते हैं, शिकायत है। हम ये अपील करेंगे भी जो भी ऐसा कोई मामला हो पब्लिक से, वो तुरंत पुलिस को बताए, डर डर के मत जिए, हम पब्लिक के साथ। कंप्लेंट कहाँ का है जी? कंप्लेंट यहीं का है, रामनगर का। रामनगर का। 4 साल से उसके शारीरिक संबंध थे उस महिला के साथ। क्या नाम है जी? वो वरिंदर कुमार नाम का। ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।